आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। तो देखा दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, कंट्रोल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, मैं फिंगर्स को मूव कर रहा हूं, मैं हाथ को अप डाउन कर रहा हूं, राइट लेफ्ट कर पा रहा हूं, दैट इज कंट्रोल की एक ऑर्गन का जो स्पेसिफिकेशन है, एक ऑर्गन की जो वर्किंग है। लेकिन अगर मैं साइकिल चलाता हूं बच्चों, तो मेरे हाथ भी काम करेंगे, मेरे पैर भी काम करेंगे, मेरी आईज भी उसमें हेल्प करेंगी, है ना। तो बहुत सारे ऑर्गन जब इन्वॉल्व होके एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करें बच्चे, तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। और एक से ज्यादा सिस्टम्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम बात करेंगे हाउ दिस सिस्टम वर्क इन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में ये कैसे काम करता है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है बच्चे ह्यूमन बींग में दो सिस्टम से रेगुलेट होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा है यस एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहां पर दोनों टाइप का रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा, नर्वस रेगुलेशन भी है और हार्मोनल रेगुलेशन भी है। नर्वस सिस्टम की बात सबसे पहले अगर हम करें, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चों, आपका ब्रेन आ गया, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं और आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। चलो जल्दी से बताओ कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आईज, वेरी गुड। उसके बाद हमारी स्किन, ईयर्स, नोज एंड टंग, दीज आर द फाइव सेंस ऑर्गन्स। ये पांचों सेंस ऑर्गन मिलके हेल्प करते हैं इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो जब हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि कैसे ये सब काम करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड बच्चों आता है स्टिमुलस। जो भी हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण आप कह सकते हैं, उसमें अगर कोई चेंज होता है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। एकदम से कोई गर्म चीज लगना, एक ठंडी चीज लगना, एक पिक्यूलियर सी स्मेल आना, बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो जाए, है ना, बहुत ज्यादा शोर हो, वो सब क्या काम करता है, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। और स्टिमुलस के टुवर्ड्स हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो वो स्टिमुलस हमें होना जरूरी है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने बताया आपको, वेरियस ऑर्गन जब मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क या रेस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलस के टुवर्ड्स, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, ये दो सिस्टम्स नर्वस रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू किया जाता है। प्लांट्स ऑल्सो शोज कोऑर्डिनेशन, लेकिन वहां पे कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, सिर्फ हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, राइट। यहां तक अगर आपको समझ आया है तो प्लीज एक थम्स अप दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए, अब जो स्टिमुलस आया वो कहां पर आएगा, कैसे एंटर करेगा, तो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, ये स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं नर्व सेल्स की जो उस स्टिमुलस को रिसीव करती हैं और मैसेज को पास करेंगी ब्रेन को। या अगर रिफ्लेक्स एक्शन, जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन अगर हो रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन, अभी आपको समझ आएगा जब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने पांच तरह के सेंस ऑर्गन पढ़े थे, आई मतलब लाइट की हम बात कर रहे हैं, तो फोटो रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट करे, दैट इज फोटो रिसेप्टर। फोनो, फोनो का मतलब साउंड, मतलब हम बात कर रहे हैं ईयर्स की, यहां पर हम बात कर रहे हैं आईज की। ओल्फैक्टरी, स्मेल, स्मेल कहां से आती है, नोज से, राइट। गस्टेटरी, टच, सॉरी टेस्ट, टंग की बात होगी। एंड टैंगो, जो टच रिसेप्टर्स हैं वो भी। उसी तरह और भी कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे एक होता है फोनो रिसेप्टर साउंड के लिए, फोनो फॉर साउंड। बैरो रिसेप्टर प्रेशर के लिए होते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास स्टिमुलस था,
रिसेप्टर तक आया, देन इफेक्टर, वो मसल्स या ग्लैंड्स जो रेस्पोंड करेंगे, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आई उसके टुवर्ड्स रेस्पोंड करेंगे थ्रू मोटर नर्व। तो देखिए, एक क्या हो गया, एक हो गया सेंसरी नर्व जो लेके आ रही है इंफॉर्मेशन, दूसरी हो गई मोटर नर्व जो इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, ठीक है। और जब वो मोटर नर्व उस रेस्पॉन्स को, उस रिजल्ट को लेके जाएगी ऑर्गेनिज्म के इफेक्टर ऑर्गन तक, जिससे वो चेंजेस आ सकें, वो क्या कहलाएगा, रेस्पॉन्स। चलिए मैं आपको दोबारा से एक चीज बताता हूँ, आपको और इजीली समझ आएगा। इसी में मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए, ये स्टिमुलस हो गया हमारा, कोई भी साउंड है, स्मेल है, टेस्ट, जो भी हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहां से आएगा ये स्टिमुलस और गेन के हो गया, रिसेप्टर ने उसको देख लिया, सुन लिया। अब ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से जाएगी, नाम देखो, सेंस ऑर्गन में सेंसरी न्यूरॉन, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसको कोऑर्डिनेट करेगा, और फिर मोटर न्यूरॉन की हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक, जो जहाँ पे एक्ट होना है मसल्स पे, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, रेस्पॉन्स विल बी प्रोड्यूस कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को पुल कर लेंगे, वहाँ से हट जाएंगे। तो ये पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रेस्पॉन्स, पांच स्टेप की पूरी प्रोसेस है। अब इस पूरी प्रोसेस में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बच्चों नर्वस सिस्टम की, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड इन आर ब्रेन, इन आर बॉडी। आप देख रहे हो कैसे डांस कर रहे हैं, वैसे ही हम भी डांस करते हैं न्यूरॉन्स की वजह से, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का जो बंडल होता है बच्चों, उसको कह देते हैं नर्व। अब ये न्यूरॉन करते क्या है, ये न्यूरॉन पूरी बॉडी में इंपल्सेस को ट्रेवल करवाते हैं, दैट्स वाई न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। 9th क्लास में आपने पढ़ा है, 1 मीटर तक भी लंबे ये हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ओके, नहीं है, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का, ठीक है। चलिए देखिए, एक टिपिकल न्यूरॉन में मेनली तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट जो है उसको हम साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं, ये वाला हिस्सा हो गया। जो लंबा सा पार्ट है ये वाला एरिया, दैट इज नोन एज एक्सोन, और जो लास्ट पार्ट है बच्चों उसको एक्सोन टर्मिनल या नर्व एंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। सो साइटोन, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। अब साइटोन में बहुत सारी ब्रांच प्रोसेसेस हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये जो एक्सोन वाला पार्ट है इस पे अगर एक कवरिंग प्रेजेंट है तो इसको मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहेंगे, और अगर वो कवरिंग या शीथ एब्सेंट है देन इट इज नोन एज नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो वो कवरिंग कहलाती है माइलिन और मेडुलरी शीथ। बट उस शीथ में भी कहीं कहीं पर गैप्स होते हैं, उन गैप्स को नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो इंपल्स है, जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, याद रखना, साइटोन से एक्सोन की तरफ ट्रेवल करती है, साइटोन से एक्सोन की तरफ ट्रेवल करेगी, और जब ये नर्व एंडिंग पे पहुंच जाएगी तो नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन पहले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग,
और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, दे कम क्लोज टू इच अदर, और उनके बीच का जो गैप है बच्चों उसको कहते हैं साइनेप्स। सो नाउ एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन कम क्लोज एंड द गैप बिटवीन देम इज नोन एज सिनेप्स। ये देखिए दोनों के बीच का जो गैप है, दिस एरिया इज नोन एज सिनेप्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का डायग्राम है। देखो क्यों हुआ ये, क्यों गैप क्रिएट हुआ, देखिए क्योंकि न्यूरॉन कभी भी एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ठीक है ना, कभी भी वो टच नहीं करेंगे, तो एक नैरो गैप बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, सिनाप्स कहते हैं। अब उससे ऊपर का एरिया उसको कहते हैं प्री सिनाप्टिक नोब, और उससे नीचे का एरिया उसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नोब। अब यहां पर दोनों नोब्स में, दोनों मेम्ब्रेन्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, तो ये रिसेप्टर यहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंपल्स की फॉर्म में वो मैसेज यहां पर आता है, और इस ब्लैंक स्पेस में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक गैप है, वहां पर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, दे आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये न्यूरो ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन को यहां से लेकर और यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, नर्व एंडिंग जो थी एक न्यूरोन की, वहां से कलेक्ट करके जो डेंड्राइट है नेक्स्ट न्यूरोन का, वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्लियर। न्यूरोट्रांसमीटर का एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एसिटाइल कोलीन इसके कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। उसके अलावा गाबा भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगर आपको याद रह जाए तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग और अगले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसके बीच में गैप है, जिसको सिनेप्स कह रहे हैं। तो नर्व एंडिंग से इंफॉर्मेशन आई उस गैप में, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं, वो उसको वहां से रिसीव करके और जो डेंड्राइट है नेक्स्ट न्यूरॉन के वहां पर ट्रांसमिट कर देते हैं। अभी तक मैंने आपको यही बताया। ओके, अब दोनों टाइप के जो न्यूरॉन्स हैं वो आप देख लीजिए, सेंसरी, सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने वाले, बिल्कुल इजी है याद रखने में, ठीक है ना, सेंस ऑर्गन से और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन जो लेके जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन, और उल्टा काम जो करेगा, उल्टा मतलब उल्टा पुल्टा वाला उल्टा नहीं, वापस जो लेके आएगा हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे मसल्स या ग्लैंड तक, इफेक्टर ऑर्गन तक जो इंफॉर्मेशन या मैसेज लेके आएगा उसको हम मोटर न्यूरॉन कह देंगे। तो दो टाइप के न्यूरॉन हो गए, सेंसरी एंड मोटर। क्लियर, डायग्रामेटिकली डिफरेंस भी आप देख सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको इंटर न्यूरॉन कहा जाता है, जंक्शन मतलब ज्वाइनिंग कनेक्शन आप कह सकते हो, कि यहां से ये लेके आ रहा है, यहां से लेके आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो मिडिल मैन है वो क्या है, इंटर न्यूरोन है। क्लियर, उसके अलावा जो प्रोसेस है उनके भी, इस पे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, वो अलग चीज है, वो अलग टॉपिक है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। आप एक चीज ये वाली याद रख सकते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आई, इवन नीट में भी पूछा गया है, एनटीएससी में भी ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है बाइपोलर न्यूरॉन्स। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। अब ये न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, देखो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया, हमारा सेंस ऑर्गन है, स्किन है,
आई है, नोज है, कोई भी पांचों में से कोई भी, वहां पे कोई स्टिमुलस आया, उसकी वजह से चेंजेस हुए, उन चेंजेस को सेंसरी न्यूरॉन्स ने डिटेक्ट किया और उस इंफॉर्मेशन को इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ लेके गए, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। अभी हम ब्रेन लिख देते हैं, ब्रेन के पास लेकर गए। अब ब्रेन मैसेज देगा कि व्हाट टू डू, उस कंडीशन में क्या करना है। तो मैसेज इंटर न्यूरोन की हेल्प से मोटर न्यूरोन के पास आ जाएगा और मोटर न्यूरोन वो लेकर जाएंगे इफेक्टर ऑर्गन तक। अब इफेक्टर ऑर्गन क्या है बच्चों? इफेक्टर ऑर्गन है हमारी मसल्स या हमारे ग्लैंड्स, वो इफेक्टर ऑर्गन का काम करेंगे। तो मान लो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो वो एक्शन हो गया, न्यूरॉन ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब एक प्रोसेस होती है बच्चों जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मैं बार बार आपको यूज कर रहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, सो हाउ दिस रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स, अभी हम देखते हैं क्या प्रोसेस होती है रिफ्लेक्स एक्शन। ये सडन, जिसको हम स्पॉन्टेनियस भी कह सकते हैं, इन वॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का टुवार्ड्स अ स्टिमुलस। स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। कि हम गर्म चीज को टच हो जाती है एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं, सामने से कोई बहुत स्पीड से व्हीकल आ रहा है हम अपने आप को हटा लेते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना। तो वो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। होता कैसे, बेसिक मैकेनिज्म जो अभी तक हमने डिस्कस किया सेम होता है कि नर्व्स जो होती हैं हमारे रिसेप्टर्स में वो डिटेक्ट करती हैं स्टिमुलस को, हीट, अभी हीट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हॉट ऑब्जेक्ट का, और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो कहां पे जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड में। वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, इंटर न्यूरॉन के पास जाएगी और फिर मोटर न्यूरॉन की हेल्प से हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स तक आ जाएगी और हम उस हाथ को विड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है, राइट। ये देखिए, अब ये एफरेंट और इफेरेंट फाइबर क्या होते हैं। एफरेंट आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हो ले जाने वाले, इफेरेंट हैं लाने वाले। ठीक है, तो स्टिमुलस यहां पे हॉट ऑब्जेक्ट है या हीट है, हैंड हमारा या लेग हमारा रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड के पास जो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल गई तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो सेंसरी न्यूरॉन वहां से इंफॉर्मेशन लेके आया और यहां पर स्पाइनल कॉर्ड में इंटीग्रेशन सेंटर है, मतलब जो उसको प्रोसेस करेगा, और एसोसिएशन न्यूरॉन जिसको हम रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं, इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, वो उसको प्रोसेस करेगा और इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे ब्रेन तक भी कि पूछने के लिए कि व्हाट टू डू। और उसके बाद उस प्रोसेसिंग के बाद जो मोटर न्यूरॉन है उस इंफॉर्मेशन को लेके आ जाएगा हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक, हमारी मसल तक, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मतलब अपने हाथ को या पैर को वहां से हटा लेते हैं, दैट इज रेस्पॉन्स। सो दिस इज सिंपल सिंपल मैकेनिज्म, राइट। और सिंप्लीफाइड वे में हम इसको देखते हैं, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन का ही एक पार्ट है कि जब तक रेस्पॉन्स नहीं हुआ, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ऑर्गन ने उसको डिटेक्ट किया, सेंसरी और नर्व्स उसको लेके आई स्पाइनल कॉर्ड पर, स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग के बाद मोटर नर्व की हेल्प से हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक आया। ठीक है, तो यहां तक जब आया तो उस पूरे पाथवे को क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं इन्वॉल्व हुआ है बच्चों इसमें, देख लेना। तो जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का उसको रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे, कि रिफ्लेक्स आर्क
में क्या हुआ, स्टिमुलस रिसीव हुआ रिसेप्टर ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन पास हुई मोटर नर्व, और मोटर नर्व उसको लेके आई इफेक्टर ऑर्गन तक मसल से या ग्लैंड के पास फॉर द रेस्पॉन्स। तो ये पूरा पाथवे बच्चों ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। डायग्रामेटिकली आप फिर से देख सकते हैं कि पिन प्रिक हुई स्किन में सेंसरी न्यूरॉन, ये सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन की, ये डोर्सल रूट है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर होता है यहाँ पे, वो हम बाद में बात करेंगे। और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद इंटर न्यूरोन की हेल्प से आ गया मोटर न्यूरोन के पास, मोटर न्यूरोन उसको लेके आता है हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो ये पूरा पाथवे बच्चों ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। इज इट क्लियर? और जैसे ही हमारी बॉडी ये मूवमेंट कर लेती है, वो पाथवे कंप्लीट हो जाता है, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो आर्क पूरा पाथवे है, और जब मूवमेंट हो जाए, जब एक्शन हो जाए, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये वो पैर का दिखाया हुआ है, ये नेम है मसल्स के, राइट? तो आप डिफरेंट कलर से आप देख पा रहे हो, ब्लू कलर सेंसरी न्यूरॉन लेके गया इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे कोई और चीज टकराई है ना, उसके बाद कहाँ पे गया, स्पाइनल कॉर्ड में को प्रोसेसिंग, यहाँ पे ये इंटर न्यूरॉन हो गया, और फिर मोटर न्यूरॉन रेड कलर वाला इसको लेकर हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक आ गया, हमारी मसल तक आ गया, और वहां पे फिर ये मूवमेंट हुआ पैर का, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक पार्ट अभी हमने डिस्कस किया, राइट? सो कीप प्रैक्टिसिंग, जहां पर भी आपको डाउट है यू कैन आस्क, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल बायो नीति। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, जो भी डाउट है आप वहीं पे पूछ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, बट इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, राइट? चलिए पढ़ते रहिए, गुड लक।